भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इस वक्त चल रहा है, तो निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत यहां पर सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस होड़ में सबसे आगे हैं, लगातार रोड शो उनका चल रहा है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लगातार वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये देखिए, ये सीधी तस्वीर रोड शो की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत यहां पर झोंके हुए हैं। बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा दिया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं और रोड शो की सफलता का अंदाजा आप लगाइए। पूरे सड़क पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद हैं। एमपी में तेज हुई निकाय चुनाव के जंग, मुख्यमंत्री रोड शो निकाल रहे हैं। भोपाल की तस्वीर, राजधानी भोपाल की तस्वीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी समर्थकों के साथ और बीजेपी प्रत्याशी के साथ एक वाहन पर सवार और रोड शो कर वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव की जंग है ये, और देखिए सभी बीजेपी के दिग्गज इस रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत इस रोड शो में झोंकी हुई है और लगातार वो अपील कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया जाए। निकाय चुनाव की जंग एमपी में तेज हो गई है, तो चाहे बारिश आए या फिर कोई और रुकावट, लेकिन रोड शो नहीं थमा। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से भोपाल में ही बारिश के दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करते हुए नजर आए। एक बार फिर से रोड शो की ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, भोपाल में सीएम शिवराज का रोड शो तस्वीर देखिए। एमपी में तेज हुई निकाय चुनाव की जंग, भोपाल में सीएम शिवराज का रोड शो की तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। एमपी में तेज हुई निकाय चुनाव की जंग, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और रोड शो को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश में, लेकिन ये रोड शो सफल तभी माना जाएगा जब बीजेपी कैंडिडेट मुख्यमंत्री जीतेगा जिनके लिए वो अपील कर रहे हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए या फिर AIMIM की बात कर लीजिए, ये पार्टियां भी दांव खेल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है जगह जगह रैली करने के लिए और रोड शो करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं रोड शो की। तो भोपाल में सीएम शिवराज का रोड शो की ये तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीरें हैं भोपाल की। रोड शो इस वक्त मुख्यमंत्री चल रहा है और हमारे सहयोगी शब्बीर भी मौजूद हैं इस रोड शो में। शब्बीर, क्या नारेबाजी हो रही है, क्या कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से? तोश हुजूर विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस वक्त रोड शो निकल रहा है। कोलार ये इलाका है जो हुजूर विधानसभा में आता है। 17 किलोमीटर का ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। उनके साथ मालती राय जो महापौर की प्रत्याशी है बीजेपी की, वो मौजूद है। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद है। 17 किलोमीटर इस लंबे रोड शो में करीब बताया जा रहा है 200 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज का स्वागत किया जाएगा और इसके साथ साथ तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये चौथा रोड शो है। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में करा था, उसके बाद नरेला में करा था और आज सुबह ही गोविंदपुरा में करा था और अब हुजूर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो हुआ है। करीब 6 बजे शाम को ये रोड शो शुरू होना था लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद गए थे, वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने थे, वहां से थोड़ी देर से पहुंचे थे
लेकिन उसके बावजूद भी अभितोष यहाँ की तस्वीरें देख के बताया जा सकता है कि लोगों के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कुछ देर पहले इस इलाके में बारिश भी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त उत्साह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में नजर आ रहा है। जिस विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो गुजर रहा है ये बीजेपी का गढ़ वाले इलाकों में चाहता है। बीजेपी को यहाँ से हमेशा लीड मिलती है और इस बार भी कोशिश ये है कि यहाँ से ज्यादा लीड बीजेपी ले जिससे चुनाव में उसे फायदा हो, क्योंकि मध्य हो उत्तर हो या दूसरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से हमेशा कांग्रेस को बढ़त मिलती रही है लेकिन हुजूर विधानसभा में से बीजेपी को बढ़त मिलती। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि इस इलाके में लीड को पिछली बार 2015 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव हुए थे, उससे ज्यादा लीड हासिल करे और जीत हासिल करे और इसी को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, वीडियो शर्मा संभाले हुए हैं और अभी करीब ये कहते हैं 5 से 6 किलोमीटर का उनका रोड शो हो चुका है। अभी भी 10 किलोमीटर का एक बड़ा रोड शो है बचा हुआ है और उसके बाद एक जनसभा को बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अभी आज 2 जुलाई है, 2 दिन और बचे हैं और पूरी ताकत झोंकते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभितोष नजर आ रहे हैं इस वक्त की बात की जाए तो। बिल्कुल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और शब्बीर ये जाहिर सी बात है कि साख का सवाल इस वक्त यहाँ पर बीजेपी ने अपने बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया हुआ है और यही हाल कांग्रेस का भी है। तो साख का सवाल है और नेक टू नेक फाइट यहां पर देखी जा रही है ये माना जाए, क्योंकि ध्यान में इनके ये चल रहा है शब्बीर कि ये जो चुनाव है अगर ये जीत लेते हैं तो फिर विधानसभा चुनावों में एक मैसेज जाएगा, विधानसभा चुनावों की राह और आसान होगी पार्टी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभितोष, लिटमस टेस्ट के तौर पर इस चुनाव को, नगरीय निकाय चुनाव को देखा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बात की जाए तो शहरी भी चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी चुनाव हो रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। 16 नगर निगम की बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, सूपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का, 16 के 16 सीटें जीती थी, कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं आया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के भी प्रयास काफी तेज हैं, कमलनाथ के नेतृत्व में, कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, दिग्विजय सिंह छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं राजधानी भोपाल की बात की जाए। साख का सवाल यहां पर बना हुआ है और लगातार ये जनसभाओं का, रोड शो का, रैली का दौर जारी है। शब्बीर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।